जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो लोग रुकते नहीं। ये काफी सोचनीय मुद्दा है। मैं जरूर चाहूंगा कि साहित्य से जुड़ी हुई यह अवधारणा जो हमारे कविता के रूप में यहाँ उद्भूत होती है, उन्हें भी सुनने वाला कोई हो, और न केवल मैं बल्कि हर कोई ये चाहता है तो उसे सुना जाए। आज मैं गजलों पे नहीं जाऊंगा। मैं गजलकार हूँ, गजल लिखता हूँ, लेकिन आज मैं गजलों पे नहीं जाऊंगा। आज बहुत सारे रंग हमने देख लिए यहाँ, जिसमें गजल भी था, जिसमें कुछ अच्छी कविता भी थी। आज मैं गालिब की नहीं दिनकर की भूमिका में आऊंगा, और ये चार शेर आप सबके लिए। विचार कीजिएगा कि वतन के राह पर आई जो आफत भी समझते हैं, वतन की राह पर आई जो आफत भी समझते हैं, कटा के सर जरूरी है हिफाजत भी समझते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम के जहन को छेड़ते हैं क्यों? ये हिंदू और मुस्लिम के जहन को छेड़ते हैं क्यों? इसी से चल रही इनकी सियासत भी समझते हैं, इसी से चल रही इनकी सियासत भी समझते हैं। तो उन सियासतदारों के लिए मेरा एक साधारण सा प्रश्न है जो मैंने इस 70वीं स्वतंत्रता दिवस पर लिखी थी और आज आप सबके बीच इसे सुना रहा हूं। आप गौर कीजिएगा और यदि आपको कुछ उसका और यदि आप उसका हल निकालने में सक्षम हो तो आप उन सियासतदारों तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। जश्न में डूबा देश हमारा भाई। जश्न में डूबा देश हमारा आजादी के गानों पर, कहीं मताएं अश्रु बहाए पेटों के बलिदानों पर। जश्न में डूबा देश हमारा आजादी के गानों पर, कहीं मताएं अश्रु बहाए बेटों के बलिदानों पर। भारत माँ के जख्म हरे हैं, भारत माँ के जख्म हरे हैं, आज वो हमसे पूछ रही जो अतीत के पन्नों में है दर्ज अभी तक सही सही। 70 साल बिताए हमने, 70 साल बिताए हमने, बोलो क्या क्या पाए हैं, कितनी कितनी गोदे उजड़ चुकी हैं, कितने वीर गंवाए हैं। 70 साल बिताए हमने, बोलो क्या क्या पाए हैं, कितनी गोदे उजड़ चुकी हैं, कितने वीर गवाए हैं। जिस सरहद पर शीस कटाए मिठाई क्यों बांट रहे, जिस सरहद पर शीस कटाए मिठाई क्यों बांट रहे, जब मुझे दुश्मन दे जाता है पट्टी क्यों उस पर साट रहे। जिस सरहद पर शीस कटाए मिठाई क्यों बांट रहे, जब मुझे दुश्मन दे जाता है पट्टी क्यों उस पर साट रहे। जन जन का अधिकार छीन कर जो नेताजी खाते हैं, जन जन का अधिकार छीन कर जो नेताजी खाते हैं, किस हक से वो जाबाजों की अर्थी हाथ लगाते हैं, किस हक से वो जाबाजों की अर्थी हाथ लगाते हैं, जहां गरीबी के रस्सी से आधा भारत बंधा, जहां गरीबी के रस्सी से आधा भारत बंधा हो, अपराधी सरकार चलाए न्यायालय भी अंधा हो। संविधान के किस पन्ने ने तुमको यह अधिकार दिया, संविधान के किस पन्ने ने तुमको यह अधिकार दिया, लोकतंत्र या भ्रष्ट तंत्र किसने ऐसी सरकार दिया, जहां करोड़ों की थाली से हमारी अंतिम बम आप सबको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी कि जहां करोड़ों की थाली से कोसों दूर निवाले हैं, जहां करोड़ों की थाली से कोसों दूर निवाले हैं, वही सड़क से संसद तक हर रोज नए घोटाले हैं, वही सड़क से संसद तक हर रोज नए घोटाले हैं। और ये प्रश्न कि स्वच्छंदता के महापर्व पर अनुज का ये आह्वान है, स्वच्छंदता के महापर्व पर अनुज का ये आह्वान है, आज प्रश्न ये खुद से पूछो क्या सचमुच देश महान है, आज प्रश्न ये खुद से पूछो क्या सचमुच देश महान है। धन्यवाद, आभार आप सभी का। बंद किसका था बताया नहीं आपने, किसका था बताया नहीं। बहुत अच्छा। अब हमारे बीच बैठे हुए